अब तक तो हमने देख लिया कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट हो जाएगी, अब जरा ये भी जानने की जरूरत पड़ेगी हमें कि इक्विलिब्रियम पे एक्चुअल में कितनी कॉन्सेंट्रेशन बचेगी, इसका कैसे हम आइडिया लगाएंगे। तो यानी अब हम क्वांटिटी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि एग्जैक्ट कितना अमाउंट कम होगा या कितना बनेगा। तो इक्विलिब्रियम जो है एक थियोरेटिकल लॉ के ऊपर बेस्ड है। अब जो है हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे इक्विलिब्रियम का, क्वांटिटी के ऊपर कितनी क्वांटिटी बचेगी, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इक्विलिब्रियम जो है एक थियोरेटिकल लॉ के ऊपर बेस्ड है, विच इज नोन एज अ लॉ ऑफ मास एक्शन। इस लॉ के अकॉर्डिंगली कोई भी रिएक्शन जो होती है, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हम मान सकते हैं ए बी सी और डी। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है इसमें, ए और बी। अगर फॉरवर्ड एक्शन को देखोगे तो रिएक्टेंट ए और बी है, रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। लॉ ऑफ मास एक्शन का मानना है जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उनके आगे लिखे होते हैं उन्हीं की पावर यहाँ पे आएगी अगर हम रेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं, जो कि मैंने तुम्हें बताया है ये थ्योरेटिकल रेट है। इन एक्चुअल काइनेटिक्स में हम ऐसा नहीं पढ़ते हैं, काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि रेट जो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वहां पे हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ हम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे हैं। एक्चुअली इक्विलिब्रियम को इस बात से कोई लेना देना है ही नहीं कि रिएक्शन कितनी फास्ट हुई और कितनी स्लो हुई, इक्विलिब्रियम का तो बस इस बात से लेना है कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो उस टाइम पे कितना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बचा है। इसीलिए इसमें हम रेट लो को लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ थियोरेटिकल इस लो से ही काम चलाएंगे, क्योंकि हमें इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है कि एक्चुअल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी कि सेकंड ऑर्डर थी कि कौन सा ऑर्डर थी। इक्विलिब्रियम का मतलब है इस बात से कि शुरू में ए कितना था और एंड में कितना बचेगा, अब वो किस ऑर्डर से गया उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ थियोरेटिकल लो यूज करेंगे, व्हिच इज लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अगर ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वेशन ये है तो यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा kf। तो अगर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखता हूं, यानी अगर ये दोनों यहां बनाते हो तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, c और d, और अगर कांस्टेंट की बात करें तो वो होगा kb, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी एंड डी की पावर डी। और हम अच्छे से जानते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या हो जाते हैं, इक्वल। इसका मतलब kf कॉन्सेंट्रेशन, ये मुझे बहुत ही बोरिंग लगता है इसलिए मेरे साथ साथ बोलते रहो, a की पावर a एंड b की पावर b, और kb जो होगा c की पावर स्मॉल c एंड d की पावर d, kf अपॉन kb। अगर हम kf और kb को एक तरफ ले आए तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ c की पावर c d की पावर d डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a की पावर a b की पावर b, क्योंकि kf और kb जो हैं वो रेट कांस्टेंट हैं जो कि दो चीज पे डिपेंड कर सकते हैं, टेम्परेचर पे एंड ऑल्सो ऑन कैटलिस्ट। लेकिन हमें ये देखना है कि kf और kb का जो रेशियो है, इस रेशियो को हमने डिफाइन किया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब kf बाई kb का रेशियो जो है, यहां देखने पे हमें ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर और कैटलिस्ट दोनों पे डिपेंड करता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी दो चीजों पे डिपेंड करना चाहिए। लेकिन अभी हम इनको एनालिसिस करेंगे, क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी इन दोनों पे डिपेंड करता है, तो ये बात ध्यान रखना kf अपॉन kb को ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताएंगे, kb अपॉन kf को नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों में से एक चीज तो चूज करनी ही थी, या तो तुम kb अपॉन kf को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करो या kf अपॉन kb। तो जो सब ने मिलके एक डिसीजन लिया होगा उस टाइम पे कि kf बाई kb को ही हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करेंगे, तो हम उन चीज को फॉलो कर रहे हैं, उसमें हमें किसी से भी कोई बहस नहीं करनी। अगर मैंने तुम्हें कह दिया है कि kf बाई kb को तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान के चलो, मैं भी मान के चलता हूं, तो बस बात खत्म हो गई, सभी मान के चल रहे हैं इस चीज को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों का दिमाग बहुत खुरापाती होता है, उन्हें लगता है कि क्यों सर
अगर हम के बी बाई के एफ को ले लें तो क्या होगा, तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत होगा। बस इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, और बाकी क्योंकि हमें सीखने को बहुत सारी चीजें हैं तो इसलिए हम आगे फॉरवर्ड बढ़ते हैं इस चीज डायरेक्शन में। तो मैंने बता दिया है कि के एफ बाई के बी का रेशियो जो है इन दोनों चीज पर डिपेंड हो रहा है। तो अभी इस एक्सप्रेशन को यहां रखते हैं, क्योंकि C और D जो है वो कॉन्सर्न प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं सिलेक्शन में, और ये क्या हो रहे हैं रिएक्टेंट। लेकिन तुमने इस बात पर फोकस ही नहीं किया कि जब मैंने रेट ऑफ फॉरवर्ड लिखा तो ये रिएक्टेंट थे, और बैकवर्ड लिखा तो ये रिएक्टेंट थे। तो कुछ लोग इनको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर में उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर में उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बट मैं इसको ऐसे बोलना प्रेफर नहीं करता हूं, क्योंकि इन रियलिटी प्रोडक्ट कौन है रिएक्टेंट कौन है रिवर्सिबल रिएक्शन में डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल N2 + 3H2 = 2NH3। अगर इस रिएक्शन को मैं इस तरीके से लिखता हूं तो रिएक्टेंट हम मान के चलेंगे, ये बात ध्यान रखना। अगर ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में लिखी है दैट मींस रिएक्टेंट नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। लेकिन क्या जरूरी है, मैं तो इसको ऐसे भी लिख सकता था, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन में अमोनिया क्या है, एक रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है, तुम कैसे बता सकते हो, वो तो डिपेंड करता है उस रिएक्शन को तुमने कैसे लिखा हुआ है। तो यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक और चीज प्रभावित करने वाली है, किस तरीके से तुमने रिएक्शन को लिखा है ये भी। तो उनको हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या पढ़ेंगे, स्टोइकोमेट्री एंड डायरेक्शन। साइकोमेट्री से मेरा मतलब ये है कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ। तो इन चीज़ों पर भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो वैरी करेगा। तो मैंने तुम्हें बता दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है बेसिकली के एफ बाई के बी का रेशियो है, और केम 11 12th की किताबें ये भी लिखती हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। उन्हीं ने हमारी आदतें खराब करी हैं कि हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान के चलते हैं, जो आगे जाके हमारे सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनका एक रेशियो होता है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए हमेशा इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक बार देखते हैं कैसे कैसे ये तीनों फैक्टर जो हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इफेक्ट कर सकते हैं। तो हम पहले तो इस फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से पहले एक बार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने तुमने यहाँ पे देखा, मैं इतने टाइम से कॉन्सेंट्रेशन लिखे जा रहा हूँ। तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया है, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन लिखता हूं जो भी स्पीसीज इन्वॉल्व है उनकी, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मेरे को केसी बोलना पड़ेगा। दैट मींस मैं सबकी कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर मैं इन सब का प्रेशर लेता यहां पे, तो प्रेशर ऑफ सी प्रेशर ऑफ डी की पावर डी यहाँ प्रेशर होता, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं किससे रिप्रेजेंट करता, केपी से करता। हालांकि एक और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हो सकता है, किसी का प्रेशर किसी की कॉन्सेंट्रेशन होती तो एक और होता है मिक्स्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपीसी। वो सिर्फ नॉलेज दिखाने वाली बात हो रही है, मैं सिर्फ शो ऑफ कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसका कोई यूज ज्यादा नहीं होता है। फिलहाल हम सिर्फ अपने काम की बातों पर ध्यान देंगे। दैट मीन्स मैंने तुम्हें क्या बताया कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है लॉ ऑफ मास एक्सचेंज के ऊपर बेस्ड है, थ्योरेटिकल लॉ के ऊपर बेस्ड है। कोई भी बच्चा काइनेटिक्स वाला रेट लॉ नहीं लगाएगा, इसी तरीके से डील करना है। दूसरी बात, क्योंकि मैंने बताया था इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है, दैट मींस ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है। तो यानी नोटिस करने वाली बात हुई के एफ बाई के बी के रेशियो को ही हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे, क्योंकि जनरली लोग इसे प्रोडक्ट समझते हैं, राइट वाले को इसको रिएक्टेंट समझते हैं। तो कुछ बुक्स इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के रेशियो को भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होने चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में कर सकते हैं, प्रेशर की टर्म में कर सकते हैं, करने को तो मोल्स की टर्म में भी कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन की टर्म में भी कर सकते हैं। अभी तो सीखने का मजा आ रहा है, ये चीजें 11th क्लास में नहीं थी इस तरीके से, पढ़ा तो सब कुछ है लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है, उस कनेक्टिविटी को बनाएंगे। क्योंकि देखो यहां से मैंने कितनी सारी चीजें तुम्हारे सामने रख दी है ऑप्शंस खोल के। मैं पहले ही बता रहा हूं, मैं तुम्हें वो पढ़ाऊंगा जो हमारे लिए जानने के लिए जरूरी है, क्वेश्चन के साथ साथ नॉलेज भी हो तो मजा ही आ जाता है। लेकिन सीखना सीखेगा वही
जैसे जिन बातों को मैं कह दूंगा तुम उसको सपोज करके चलो, जरूरी नहीं है केमिस्ट्री है हर चीज का एक्सप्लेनेशन है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम अपनी नॉलेज से इन नेचर में जो चीजें प्रेजेंट हैं उनको समझने की कोशिश ही तो कर रहे हैं, तो क्या गारंटी है सबने समझ ली होगी। कुछ पॉइंट कंफ्यूजन के होंगे भी, और हो सकता है सबके लिए कंफ्यूजन ही हो, तो क्या जरूरी है उसके डेप्थ में घुस के उसका आंसर निकाल के बिल्कुल सर एग्जैक्ट क्या है। एग्जैक्ट कुछ नहीं है, केमिस्ट्री है। मैं जैसे ही हायर केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो जो है उसे एक्सेप्ट करना सीखो, जैसे हमें डील करें बाकी सब लोग करें अपनी लाइफ में, वैसे कुछ रियलिटीज हैं जिनको एक्सेप्ट करो आगे बढ़ो। जरूरी नहीं है हर चीज के क्वेश्चन का आंसर लाइफ तुम्हें अभी प्रोवाइड कर दे। हालांकि मैं ज्यादा स्पिरिचुअल बातें कर रहा हूं, वापस आ जाते हैं इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो मैंने क्या बताया, चलो मैं लिख ही देता हूं इसे। मोल्स की टर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो इसको kn बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन की टर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो kx बोलेंगे। अभी इसी वक्त इन दिस प्रेजेंट मोमेंट कितने सारी चीजें मेरे को नजर आ रही हैं जिन्हें मुझे क्लियर करना है। मैंने बताया kf / kb को सभी बच्चे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मानेंगे, एक रेट ये दोनों टेंपरेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट, और स्टोइकोमेट्रिक पे भी मैंने बताया है कि किस तरीके से डिपेंड कर सकता है, रिएक्शन कैसे लिखी है किस डायरेक्शन से उस पे भी डिपेंड कर सकता है वैल्यू इसकी, और इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहां से मजा आने वाला है, अभी तो मैं 11th क्लास में ही हूँ, अभी तो हम हायर लेवल पे आए नहीं। तो एक्सप्रेशन कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, तो जैसे मैंने बताया हम कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेशर में भी रख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कब कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे और कब प्रेशर यूज करेंगे, क्या दोनों को यूज कर सकते हैं। तो सुनो जरा ध्यान से, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो सबसे काम की चीज है हमारे लिए गैसेस। पहले हमने तुम्हें गैस स्टेट पढ़ाया होगा, और वैसे भी तुम्हें अगर गैस स्टेट पढ़ा है तुम्हें क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं, गैसेस के लिए क्या चीज डिफाइन हो सकती है। अगर एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई भी गैस है ए, तो मैं क्या इस गैस की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ या प्रेशर फाइंड आउट कर सकता हूँ। यस, इस गैस के लिए गैस का प्रेशर भी डिफाइन हो सकता है। प्रेशर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हैं, आर इंटू टी बाय वी। ये इस गैस है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, गैस तो पूरे कंटेनर में है तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आ जाएगा, गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स पता होंगे तो प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी फॉर गैसेस प्रेशर कैन बी डिफाइंड। क्या गैसेस के लिए कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन वी। वॉल्यूम कौन सा, वॉल्यूम ऑफ गैस होता है, क्योंकि वॉल्यूम ये पूरी गैस जो है पूरे ही कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है, तो दिस इज ऑल्सो टोटल वॉल्यूम। क्योंकि गैसेस के लिए प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन दोनों डिफाइन हो सकती है, इसीलिए गैसेस के लिए केपी एंड केसी दोनों ही डिफाइन हो सकते हैं, तुम जिसको चाहो। कई बार रिएक्शन होगी गैसेस इन्वॉल्व है तो वो केपी दे सकते हैं उसका, केसी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, लेट्स सपोज अमोनिया रिएक्ट्स विद H2O टू प्रोड्यूस NH4+ एंड OHNs। यानी कि अमोनिया को वाटर में डिसोल्व किया, अमोनिया एक गैस है। लेट सपोज इस कंटेनर में ये वाटर था, तुमने अमोनिया गैस को यहाँ पे छोड़ दिया। अमोनिया गैस वाटर के साथ सोल्युबल हो जाती है, मच्छर से जानते हैं, तो कुछ अमोनिया मॉलिक्यूल वाटर में डिसोल्व हो जाएंगे। जो डिसोल्व हो जाएंगे वो इस फॉर्म में आ जाएंगे NH4+ एंड OH- आयंस की फॉर्म में आ जाएंगे। क्या तुम सभी को ये क्लियर दिखाई दे रहा है, मैं पास आके देख लेता हूँ। यस, NH4+ एंड OH-। तो अगर अब मैं कहता हूँ NH4+ आयंस, आयंस के लिए क्या प्रेशर डिफाइन हो सकता है। अरे आयंस के लिए प्रेशर कैसे, आयन तो वाटर के अंदर है, तो NH4+ के लिए कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन हो सकती है। एंड व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4+ आयंस, तो वो होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4+ आयन, जितने भी मोल्स होंगे डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, तो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है NH4+ आयंस किस वॉल्यूम में घूम सकते हैं, वो वॉल्यूम है उसका। सिर्फ वॉल्यूम अगर देखो, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड दिस इज द टोटल वॉल्यूम, तो NH4+ आयंस गैस स्टेट में नहीं घूमेंगे, वो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ वॉल्यूम कौन सी आएगी, वाटर की आएगी। बहुत हो गया है इनके साथ, यहाँ बस तुमने क्या कर लिया है, हमेशा फॉर्मूले रट लिए हैं। V इज वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम पता नहीं, भगवान जाने। इस वजह से हमसे क्वेश्चन नहीं होते हैं, और अगर एक ही क्वेश्चन को करना चाहते हो कॉन्फिडेंस के साथ तो एक एक पॉइंट को समझते भी जाओ।
OHN की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कोई सोच सकता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OHN जितने भी होंगे अगर हमें पता हो, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम नहीं आएगा सर, वाटर का वॉल्यूम आएगा। अगर मैं अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन की बात करता हूं तो अमोनिया की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो होंगे मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि गैसेस के लिए जो वॉल्यूम होता है वही कंटेनर का वॉल्यूम होगा। तो क्या ये बात यहाँ ट्रू हो रही है? नहीं हो रही है, क्योंकि हम उस बात को समझते नहीं है, क्योंकि ये कंटेनर बेटा खाली है। ए गैस जो है वो कहीं भी जा सकती है तो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकती है, लेकिन अमोनिया गैस सिर्फ इसी एरिया में है। इक्विलिब्रियम आने के बाद जितने अमोनिया मॉलिक्यूल को डिसॉल्व होना होगा हो चुके होंगे। अब ये मोल्स जो यहां गैस स्टेट में है वो एक कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कितना अवेलेबल है अमोनिया के पास, तो सिर्फ इतना ही वॉल्यूम अवेलेबल है, ये वाटर वाला वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है। दैट मींस टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हम बात करते हैं, इसमें एक चीज और बची है, वो है लिक्विड। तो यानी कि गैसेस के लिए प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन दोनों डिफाइन होंगे, ध्यान रख लेना मोल्स और वॉल्यूम कौन सी लेनी है। आयंस के लिए कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन होती है। अब बची बात किसकी, प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड्स के लिए, उनके लिए हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, तो उसकी तरफ को आगे बढ़ते हैं। तो मोस्टली किताबों में बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हम वन मानकर चलेंगे। हम क्यों मान के चलेंगे वन, मेरे को समझ में नहीं आ रही मत। कोई ना कुछ, या तो कुछ रीजन रहा हो कि इसको वन, क्या हर सॉलिड की या हर लिक्विड की डेंसिटी वन है? मान लो वो उससे कहते हैं कि वाटर की डेंसिटी वन मान के चलेंगे तो मैं मान भी सकता हूँ, चलो ठीक है वाटर की डेंसिटी वन होती होगी, होती है ऑलमोस्ट क्लोज होती है 0.99 समथिंग ऐसा कुछ, टेम्परेचर पे थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है पर वन मान लेता। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट हो चाहे कोई भी हो, हर सॉलिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो वन मान के चलो। एक्चुअली में ऐसा कुछ है ही, सिर्फ 11th क्लास की बुक कहती है ऐसे, या 11th क्लास को जो दिन जो पढ़ाते हैं सिर्फ वो उनकी बात करते हैं ताकि बच्चों को सीखना शुरू में आसान रहे, वो इसीलिए इसको वन लिखवा देते हैं। बट इन रियलिटी ये बात ध्यान रखना, प्योर सॉलिड, अरे तो आईडी में क्वेश्चन आया हुआ है प्योर सॉलिड एंड लिक्विड के लिए कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कॉन्स्टेंट होती है, कॉन्स्टेंट रहती है। इस वजह से उसको हम कॉन्स्टेंट मानकर चलते हैं। कॉन्स्टेंट भी मैंने कहा है मानकर चलते हैं, इन रियलिटी में बिल्कुल कॉन्स्टेंट भी नहीं होती, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। उन चीजों को हम पढ़ेंगे क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक चोक है, ठीक है, अगर ये चोक रिएक्ट कैल्शियम कार्बोनेट है और ये रिएक्ट हीट करने पर प्रोड्यूस करता है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि एक सॉलिड है और CO2 गैस। अगर कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ा सा रिएक्ट हो भी गया इसमें से, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट बचा हुआ है हम उसको एक बार देख लेते हैं क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इसमें जितने भी मोल कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे डिवाइड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, और गिवन मास अपॉन वॉल्यूम बनती है डेंसिटी। तो हम बोल सकते हैं किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन को हम उसकी डेंसिटी अपॉन मोलर मास से डिफाइन कर सकते हैं। मान लो कैल्शियम कार्बोनेट जो था वो यहां से रिएक्ट कर गया, तो क्या इस सॉलिड की जो बचा हुआ है उसकी डेंसिटी चेंज हुई? आंसर इज नो। तो क्या इसका मोलर मास चेंज हो गया है? आंसर इज नो। तो डेंसिटी चेंज नहीं हुई, मोलर मास चेंज नहीं हुई, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी। अरे वाटर है, वाटर में से कुछ वाटर रिएक्ट कर गया, तो जो वाटर बचा क्या उस वाटर की डेंसिटी चेंज हुई? आंसर इज नो, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या रहेगी? सेम ऐसे डेंसिटी, कैसे एक गिलास पानी है उसमें वाटर की डेंसिटी 1 है, ऊपर से और पानी डाल दूंगा तो क्या डेंसिटी जुड़ के डबल हो जाएगी? क्या डेंसिटी, डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नहीं है। तो यानी कि ना डेंसिटी चेंज हो रही है ना मोलर मास चेंज हो रहा है। तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए कॉन्सेंट्रेशन में कोई खास चेंज नहीं हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन, इसी वजह से उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या रहती है? एक कॉन्स्टेंट वैल्यू रहती है, वो कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी और उसके मोलर मास पे। तुम कहोगे सर क्या ऐसा तो गैस की डेंसिटी भी चेंज नहीं हो रही,
मान लो सर इस कंटेनर में गैस है, ए गैस, तो गैस की डेंसिटी फिक्स है कि चेंज हो रही होगी? तो तुमने पढ़ा होगा यस स्टेट में कि डेंसिटी डर्टी पीएम डी आर टी इक्वल्स टू पी इन टू एम। डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है? पी यानी कि प्रेशर ऑफ गैस, डेंसिटी हो गई है पी एम अपॉन आर टी। फिक्स है टेम्परेचर अगर तुमने चेंज नहीं किया है, मोलर मास गैस का फिक्स होता है, प्रेशर जो है वो फिक्स रहेगा अगर टेम्परेचर में छिड़खानी नहीं कर रहे हो, वॉल्यूम में छिड़खानी नहीं कर रहे हो। तो डेंसिटी किसी भी गैस की एट ए फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो क्या होती है? कॉन्स्टेंट होती है। पूरी बात बोलनी चाहिए हमेशा। अब हम बात करते हैं तो सर इसकी भी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से चेंज हो रही है? बेटा ये मान लो ये इनिशियली ए था, अब रिएक्शन आगे चली, रिएक्शन जैसे ही आगे चलेगी तो ए के कुछ मोल्स लेट सपोज रिएक्ट करते हैं, अगर ए के मोल्स कम हो गए, क्योंकि हम जानते हैं प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल्स, अगर ए के मोल्स कम हो गए इस कंटेनर में, मान लो ए ने बी और सी में कन्वर्ट हो गया, तो ए तो खत्म हुआ ना, अगर ए खत्म हुआ तो ए के मोल्स चेंज हुए, और अगर ए के मोल चेंज हुए तो ए का प्रेशर भी क्या हुआ होगा? चेंज। और ए का प्रेशर चेंज हुआ है तो डेंसिटी भी क्या हो गई होगी? चेंज। यानी कि ये चेंज की बात हम क्या कर रहे हैं, इनिशियली से लेके इक्विलिब्रियम तक जाने में क्या कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज होता है? तो जिनकी कॉन्सेंट्रेशन में सिग्निफिकेंट चेंज होता है उन्हीं उनको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्रेस करते वक्त लिखेंगे। जिनकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई खास चेंज नहीं होता है या बहुत ही इनसिग्निफिकेंट चेंज है या कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, तो उनको लिखने का लिख तो सकते हो तुम, पर लिखने का फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम्हें लिखने को कहूं, और वो भी कौन सा, Kc, तो तुम लिख सकते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन इनिशियली से एंड तक इक्विलिब्रियम तक आने पे ये तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, मान लो इसकी वैल्यू कोई भी K1 है, और ये भी कोई एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है? K2 है। तो अगर मैं K1 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं और K2 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा K1 into Kc divided by K2 is equal to concentration of CO2। ये एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई, नई कांस्टेंट वैल्यू आ गई, इसी को हम एक्चुअली क्या डिफाइन करते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर तुम्हें कैल्शियम कार्बोनेट इस रिएक्शन का Kc दे रखा है तो समझ लेना उसने इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ही दे रखा होगा, तुम्हें तो सिर्फ लिखना होगा मान लो कुछ भी Kc दे रखा है वो दैट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो पहले से इसमें जाके उसने मल्टीप्लाई कर दी होगी, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है कि सर इसकी वैल्यू क्या इसमें मल्टीप्लाई हुई है कि नहीं है, जिस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है वो ऑलरेडी उसमें जाके मल्टीप्लाई हो चुका होगा, तुम्हें तो सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है। अगर आज के बाद हम किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो गैसेस हैं तो Kp भी लिख, प्रेशर की तुम प्रेशर भी लिख सकते हो, एक्वस में आयंस हैं तो कॉन्सेंट्रेशन डिफाइंड होगी, और अगर कोई भी प्योर और सॉलिड या प्योर लिक्विड समझ में आता है तो उस केस में उनकी कॉन्सेंट्रेशन को तुम कॉन्स्टेंट मानोगे, और क्योंकि कॉन्स्टेंट वाली बात समझाने में काफी टाइम लग जाता है इसीलिए लोग क्या कर देते हैं, सीधा बता देते हैं कि बेटा क्या करना है, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन क्या मान लो, वन वन, मानने से बात तो वही बन गई। फॉर एग्जाम्पल सेम चीज कैल्शियम कार्बोनेट, इस रिएक्शन में अगर मैं कह रहा हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc की टर्म में एक्सप्रेस करो तो तुम देखोगे ये दोनों तो सॉलिड है तो तुम सिर्फ लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। अगर मैं कह रहा हूं Kp लिख के दिखाओ इस रिएक्शन के लिए तो तुम कहोगे प्रेशर ऑफ CO2, क्योंकि ये तो प्योर सॉलिड है और सॉलिड का कोई प्रेशर नहीं होने वाला है। तो इसीलिए टीचर क्या सिखाते हैं कि पहले पूरा एक्सप्रेशन लिखो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, और फिर वो बोलेंगे कि प्योर सॉलिड और लिक्विड कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, वन वन वन, लिखते ही ये दोनों तो गायब हो गए तो एक्सप्रेशन वही बन गया, तो आंसर बच्चों के सही आ जाते हैं और कैरियर बच्चों का खराब हो जाता है, क्योंकि वो इसको वन मान के बैठे हुए हैं। तो आंसर तक पहुंचो, जो एक्सप्लेनेशन नहीं होंगी तो वो मैं तुम्हें साफ साफ अपने आप ही समझा दूंगा कि ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है, अदरवाइज जिनके एक्सप्लेनेशन है वो तो मैं तुम्हें साफ साफ समझा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या नेक्स्ट बात सीखी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में अगर हमें एक्सप्रेस करना हो तो हम किसी भी रिएक्शन को फॉर एग्जांपल ए सारे गैसेस मान के चलो
बी भी गैस है, सी गैस है और डी गैस है। अब मैं सब गैस की बात कर रहा हूं। एक बार छोटा सा रिवीजन मैं तुम लोगों को बता देता हूं क्या है। रिवीजन में यह है कि किसी भी रिएक्शन का अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हम बात करते हैं तो गैसेस के लिए प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन दोनों डिफाइन हो सकती हैं, आयंस के लिए कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करेंगे, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या मान के चलेंगे हमेशा कॉन्स्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट में तुम चाहो तो सॉलिड और प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन मत लिखो, नहीं लिखोगे तो भी एक्सप्रेशन वही बनेगा। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट।